वेलकम टू माय चैनल माय किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू का लच्छेदार पराठा बनाने की रेसिपी। यहाँ पर हमने गेहूँ का आटा सॉफ्ट सा लगा लेना है और फिर यहाँ पर मैंने दो लोई बनाई है, दोनों को बराबर बेल लीजिए। इस पराठे में ना भरने का झंझट है और ना ही फटने का डर। आप इस तरीके से एक बार लच्छेदार आलू के पराठे बनाकर ज़रूर खाएं, सबको पसंद आएंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। और बेल को प्रेस करना ना भूलें, बेल को प्रेस करने से मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर मैंने दोनों रोटियों को बेल लिया है, बिल्कुल बराबर बेला है। अब एक रोटी लेंगे, उसके ऊपर पानी का हाथ लगा दीजिए जिससे आलू का पेस्ट अच्छे से चिपक जाए। आलू का पेस्ट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और मैंने बहुत सारे वीडियो में भी बना के दिखाया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आलू लीजिए, हर तरह के मसाले डाल लीजिए और उनको अच्छे से मिला लीजिए और फिर एक टिक्की की शेप बनाकर रोटी पर रखकर अच्छे से फैला लीजिए। यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से फैला लिया है और अब यहाँ पर दूसरी रोटी को रख देंगे और उसके किनारों को अच्छे से चिपका देंगे। पानी पहले लगाया हुआ है पहली रोटी पर, इसलिए आप इस तरह से अच्छे से चिपका दें और ऊपर सूखा आटा लपेट के एक बार बेलन से बेल लीजिए ताकि जो आलू का पेस्ट है अच्छे से कोने कोने में चला जाए। आलू का पेस्ट बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको तलने की या फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आलू लीजिए उबला हुआ और मनचाहे मसाले डालकर अच्छे से मैश कर लीजिए, आलू का पेस्ट बन गया। और यहाँ पर मैंने रोटी को अच्छे से बेल के एक चाकू लिया है और चाकू के साथ चौड़ी लेयर में काटे, यानी कि साइज थोड़ा चौड़ा होना चाहिए लेयर का, और मैं दिखा भी रही हूँ, करीब 1 इंच के चौड़ा होना चाहिए। इस तरह से मैंने कट कर लिया है दोनों रोटियों को और एक पीस को उठाएंगे और इस तरह से रोल बनाते जाएंगे, फिर दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर इस तरह से आप रोल बना लीजिए। ये देखिए, इस तरह से सारी लेयर को एक दूसरे पर रखकर गोलाकार का बना लीजिए। और जो ये बैक वाली है छोटी छोटी को पहले बीच में रखें और फिर बड़ी के ऊपर रखें, इस तरह से आप बना लीजिए। और जो भाग बचे हैं उनको ऊपर नीचे सेट कर दीजिए ताकि ये फटे ना। यहाँ पर मैंने बना ली है लोई, अब हम इसके ऊपर सूखा आटा छिड़केंगे और अच्छे से बेल लेंगे जैसे रोटी बेलते हैं। थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि रोटी छोटी है और ये दो रोटियों का आटा था तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा होगा और बहुत ही बढ़िया चटपटा पराठा बनकर तैयार होगा। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर सब्जी बनाने का मन नहीं है और खाना बनाना है तो बच्चों को सबको पसंद आता है, इस तरह का लेयर वाला आलू का पराठा बनाकर खिलाएं। आप टिफ़िन में भी डाल सकते हैं या लंच के लिए दे सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हैं वहाँ भी आप पैक करके ले जा सकते हैं। यहाँ पर लोहे के तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिए और फिर उसके ऊपर डाल दीजिए पराठे को, और जब नीचे से अच्छे से सिक जाए फिर आप कोंचे की मदद से पलट लीजिए और इसके ऊपर देसी घी लगा दीजिए, या आप कोई तेल खाना पसंद करते हैं तो आप तेल भी लगा सकते हैं, पर देसी घी से एक अलग ही मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। इस तरह से लगा के अब नीचे वाली साइड को पलट देंगे, ये देखिए इस तरह से पलट दीजिए और दूसरी साइड पर भी
देसी घी लगा लीजिए। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने से ही एक एक टिप्स और ट्रिक्स का पता चलता है। मैंने दूसरी साइड भी देसी घी लगा दिया है और अब हम पलट देंगे, अच्छा करारे होने तक पका लेंगे। और फिर निकाल लीजिए, लेयर वाला लच्छा पराठा बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाकर खाएं। मैंने कई तरह के पराठे की वीडियो चैनल पर डाली हुई है और वहाँ पर मैंने आलू का पेस्ट बनाना भी बताया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप इसे दही के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे रूखा भी खा सकते हैं, चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये देखिए, यहाँ पर अच्छा करारा पराठा बनकर तैयार है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।